Yes, good morning student. Today I will teach you about the topic how to multiply the two fractions. अब तक जो आपको मैंने सिखाया है 1 and 2 एक्सरसाइज में कि कोई भी दो फ्रैक्शंस हैं उनको हम ऐड कैसे करते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया था कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस में हमने ये सीखा था कि उनको ऐड सब्ट्रैक्ट एक ही अगर स्टेटमेंट में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करते हैं. अब इस एक्सरसाइज में मैं आपको क्या सिखाऊंगी कि कोई भी दो फ्रैक्शंस हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे, वो मैं इस एक्सरसाइज में सिखाऊंगी. फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. सो लिसन केयरफुली हाउ वी कैन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस. देखिए जैसे कि आपकी स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, आपको मल्टीप्लाई करना है 4/5 मल्टीप्लाई 45. देखिए क्या करेंगे आप, 5 × 5 5 × 9 = 45. आप इनको ऊपर नीचे कैंसिल आउट करना है जस्ट जैसे आप नॉर्मली करते हैं. जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखिए 4 × 9 = 36, दैट इज़ द आंसर. इनको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 की टेबल से आपको पता है कि 5 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तो कैंसिल आउट कर दो और 4 × 9 = 36, दैट इज़ द आंसर. नाउ इन द थर्ड पार्ट द स्टेटमेंट इज 4/12 मल्टीप्लाई 108. दिस इज द स्टेटमेंट एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स. अब मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, अब 12 की टेबल से इसके कैंसिल आउट करिए, 12 × 1 = 12 एंड 12 × 9 = 108. नाउ 12 की टेबल से जब आप इसको काटेंगे 12 × 12 = 12 12 × 9 = 108 होते हैं. अब जो टर्म्स बच गई उनकी आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 4 × 9 = 36, दैट इज़ द आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट इज फाइंड द फॉलोइंग. इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड 6/10 ऑफ 90. आपको 6/10th पार्ट निकालना है 90 का, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप ऑफ का जो साइन है वो रिमूव करेंगे. जब ऑफ का साइन हटता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आता है. कीप इन माइंड आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऑफ का साइन जब भी हटाते हैं हम रिमूव करते हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है. अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 6 × 9 = 54, दैट विल बी द आंसर. इन द थर्ड पार्ट योर स्टेटमेंट इज 5/12 ऑफ 3 ईयर्स. आपको 5/12 पार्ट निकालना है 3 ईयर्स का, तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए. 1 year = 12 months कि एक साल में जो होते हैं 12 महीने होते हैं, 3 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 12 × 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 36 months. 12 × 3 = 36 months होते हैं. अब देखिए 5/12 ऑफ 36 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 × 12 = 12 12 × 3 = 36, 5 × 3 = 15 months. ठीक है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 months आ जाएगा, दैट इज़ द आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने इन द फर्स्ट पार्ट ये स्टेटमेंट इज 11/2 × 4/10. यू हैव टू सॉल्व दिस वन. (11/2) × (4/10). देखिए जो जो कैंसिल आउट हो रहा है इसको कैंसिल आउट करिए, 2 × 2 = 2 2 = 4. अब 2 की टेबल से इसको काटिए, 2 × 2 = 2 5 = 10, तो आपको कितना आएगा, 11 × 11 एंड बाय में 5 एज इट इज. अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 5 × 2 = 10 होता है, 1 रिमाइंडर आएगा. लाइक दिस यू कैन कन्वर्ट 11 5 5 × 2 = 10, 1 will be the remainder. So you will write this one as 2 1/5 like that. Now come to the fourth part that I am telling you. Your statement is 2/3 × 9 3/8 × 3 = 4/5. इसको सोल्व करना है जस्ट आपको, तो 2/3 एज इट इज़, 8 × 9 = 72 एंड प्लस 3 is 75 / 8. 5 × 3 = 15 प्लस 4 19/5. अब इसको क्या करना है, आपको कैंसिल आउट करना है टर्म्स को. जो भी टर्म्स ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट करिए. देखिए कैसे मैंने कैंसिल आउट किया है, 2 × 1 = 2 2 × 4 = 8. अब 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 3 × 5 = 15 5 × 5 5 5 = 25. जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सो 5 × 19 = 95 एंड 4 × 1 = 4. अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी ये जो है टर्म्स आ जाएंगे. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. इनमें आपने क्या किया था कि दो फ्रैक्शन से इनको मल्टीप्लाई किया है, और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको तीन फ्रैक्शन एक साथ देंगे,
और सिंपली आपको सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने फोर्थ पार्ट में अभी बताया भी आपको, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा आपका। जो भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद आपके आंसर्स आएंगे। सो देखिए कैसे आप कर सकते हैं। फाइव इंस फाइव, फाइव थ्री से फिफ्टीन, सिक्स इंस सिक्स, सिक्स थ्री से एटीन। जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करिए, टू थ्री से सॉरी टू वन से टू एंड इलेवन एज इट इज, इलेवन इंस एलेवन, दैट इज द आंसर। नाउ इन द फोर्थ पार्ट योर स्टेटमेंट इज थ्री वन बाई सिक्सटीन इंटू सेवन थ्री बाई सेवन इंटू वन ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी नाइन। यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, सो मल्टीप्लाई दीज, सिक्सटीन थ्री से एटीन, सॉरी सिक्सटीन थ्री ज़ा फोर्टी एट प्लस वन इज़ फोर्टी नाइन, सॉरी आई राइट रॉन्ग एयर, देखिए कैसे करना है आपको क्वेश्चन। सिक्सटीन थ्री ज़ा फोर्टी एट प्लस वन इज़ फोर्टी नाइन बाय में सिक्सटीन इंटू सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन प्लस थ्री फिफ्टी टू बाय में सेवन इंटू थर्टी नाइन वन से थर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिक्सटी फोर बाय में थर्टी नाइन। अब देखिए कैंसिल आउट कैसे करना है आपको, सेवन वन से सेवन, सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन। अब और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन, थर्टीन फोर जा फिफ्टी टू, फोर वन जो फोर, फोर फोर जो सिक्सटीन, फोर वन जो फोर, फोर वन जो फोर, फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको देखिए कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है। आपको बताया कि थ्री की टेबल में ना तो सिक्सटीन आता है ना ही सेवन आता है, तो आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सिक्सटीन सेवन जो वन हंड्रेड ट्वेल्व बाय में थ्री। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो देखिए कैसे आएगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन टू रिमाइंडर, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन टू रिमाइंडर बाय थ्री, दैट इज़ द आंसर। ओके आई थिंक यू गॉट द पॉइंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। योर स्टेटमेंट इज इफ कॉस्ट ऑफ द वन लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू दिस वन देन यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ट्वेल्व लीटर पेट्रोल। देन लिसन केयरफुली हाउ यू विल डू। आपको एक लीटर कॉस्ट, एक लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो आपको दे रखी है इतनी है रुपीज़ है, और आपको ट्वेल्व लीटर की निकालनी है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, बस स्टेटमेंट समय तो स्टेटमेंट आपको राइट करनी पड़ेगी। इसको जब आप नॉर्मल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो टू थर्टी सिक्स बाई थ्री आएगा इंटू ट्वेल्व एज इट इज़। अब थ्री की टेबल से कैंसिल आउट करिए, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व। अब टू थर्टी सिक्स इंटू फोर जब आप करेंगे तो नाइन फोर्टी फोर, दैट विल बी द आंसर। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपकी, अ बुक हैज़ 400 पेजेस। एक बुक है जिसके अंदर 400 पेजेस है। शानू रीड्स 1/20 ऑफ इट डेली। जो शानू है उसके जो 1/20 पेज है वो डेली रीड करती है। हाउ मेनी पेजेस कैन शी रीड इन 7 डेज। आपको ये बताना है कि वो 7 डेज के अंदर कितने जो पेजेस है वो रीड कर सकती है। तो देखिए क्या है, टोटल जो पेजेस है वो 400 दे रखे हैं आपको, और उसने बोला कि वन डे के अंदर वो कितने पेज रीड करती है, 1/20 ऑफ 400। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ऑफ का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का आएगा 400 एज इट इज़। इसको कैंसिल आउट करिए, 21 से 20, या फिर 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 की टेबल से आप 40 को कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आएगा। सो इन वन डे शी रीड इट 20 पेज। नाउ यू हैव टू फाइंड द पेजेस रीड इन 7 डेज, सो मल्टीप्लाई 20 बाय 7, दैट इज़ द 140 पेजेस, दैट इज़ द आंसर। सो योर एक्सरसाइज 2.3 कम्प्लीट्स। थैंक यू।